अब हिंदुस्तान भी क्या करे, आप गलत तरीके से आई हुई हैं और आप कह रही हैं आपको डिपोर्ट ना किया जाए, आप कह रही हैं आप जासूस नहीं हैं, और अगर कोई ट्रेनिंग करके भेजा जाता है जासूस तो उसकी भी बातें ऐसी होती हैं, तो किस तरीके से यकीन दिला सकती हैं आप? या यकीन तो देखिए आपने तो अपनी बात रखी दी है, लेकिन हिंदुस्तान और क्या करे आपको डिपोर्ट करने के अलावा, वापस भेजने के अलावा? यकीन दिलाने की बात करेंगे तो पहले यही कहूँगी, जिस तरह का मुझ पे कानून लागू किया जाएगा ना, मैं सारी जिंदगी पूरा जीवन इस एक घर में गुजार लूंगी, दरवाजे तक नहीं जाऊंगी। जिस तरह का मेरे लिए कानून रखा जाएगा मैं उसको पूरा करूंगी। अगर मैं इतनी सी चूक गई तो मुझे ना रखा जाए। एक यूट्यूबर वहां से पाकिस्तान से कह रहे हैं कि साहब आप तो वर्ल्ड कप की वजह से आई हैं। ये झूठ है, बकवास है। अगर ऐसा होता तो मैं डायरेक्ट दुबई चली जाती, बस वैसे आ जाती, बच्चों को क्यों ले आती। अगर आपको इसलिए पसंद आया क्योंकि उनका नाम सचिन तेंदुलकर से रखा। बिल्कुल, मुझे विराट कोहली पसंद है सर, सचिन तेंदुलकर तो पसंद नहीं, विराट कोहली मेरा फेवरेट है। उनका लुक, उनकी खेल मुझे बहुत पसंद है, पूरे पाकिस्तान को विराट कोहली पसंद है। वर्ल्ड कप के बाद वापस जाने का कोई प्लान नहीं? मेरा जीना मरना यहाँ होगा, एक दिन दुनिया मानेगी, जब मैं यहीं मरूंगी यहीं जीऊंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और सचिन तेंदुलकर मुझे बिल्कुल फेवरेट नहीं, मेरा विराट कोहली फेवरेट है शुरू से लेकर। जी सर, चले विराट कोहली पाकिस्तान के खिलाफ भी खेलता था फिर भी अच्छा लगता था सर। अब अगर अब मैच में इंडिया पाकिस्तान के मैच होंगे तो आप किस तरफ से होंगी? इस बात की ये गवाह है, जब अब बीच में मैच हुआ था मैंने लड्डू ले रखे, क्योंकि मेरा दोनों ही तरफ फायदा था। अगर इंडिया जीता तब भी मैं खुशी मनाती, पाकिस्तान जीता तब भी मैं खुशी मनाती, और इस बात की ये गवाह है। अगर इंडिया जीता तब भी मैंने लड्डू बांटे, क्योंकि मैं दोनों देश को एक मानती थी, क्योंकि मेरा मोहब्बत थी, मैं पली वहाँ, मेरा प्यार यहाँ। तो मैंने इनको, इनसे पूछ लें, कभी भी इंडिया के जीतने पे मैंने पाकिस्तान के हारने पे दुख नहीं करा। या इंडिया के मतलब ऐसा होता था कि इंडिया कभी जीत जाए पाकिस्तान हार जाए, मतलब कभी भी मैंने दुख नहीं करा, दोनों तरफ मेरे लिए बराबर था। अब वो जीता तब भी मैं खुश, वो जीता तब भी मैं खुश। सचिन कैसे निभाएंगे, जीवन बहुत बड़ा है अभी। मैं सर संघ का साथ ही चाहिए, बस जीवन तो अपने आप निपटा हुआ चला जाता है। और उठाती जाएगी तुमको, मिल तो गई तू। क्योंकि आपको ये नहीं लगता कि किस तकलीफ में आपने इस पूरे इलाके को भी ला दिया है, सचिन को और परिवार को? लगता है सर, मैं सचिन से बात बात माफ़ी भी मांगती हूँ। जब ये रोते हैं ना तो मुझे बहुत दुख होता है, शायद मेरी वजह से। फिर ये कहते हैं ना मेरी वजह से हुआ, ये खुद को समझते हैं, मैं खुद को समझती हूँ। ये कहते हैं तो मेरी वजह से तुम और तुम्हारे बच्चों की ज़िंदगी ख़राब हो रही है, मैं कहती हूँ मेरी वजह से तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की ज़िंदगी ख़राब हो रही है। हम दोनों की मर्ज़ी थी सर, अगर ये ना बुलाते मैं ना आती। बच्चों के पिता तो उधर हैं, बच्चों के पिता उधर हैं। अब सर एक बात से, इतनी बात से अगर आप समझदार हैं सोच सकते हैं, जब मैं 2 महीने तक लापता थी, जब मेरी बहनों ने अफायर कटाई कि सीमा गुम हो गई, हैदर सोदी में बैठ के क्या कर रहे थे, इंतजार कर रहे सीमा मीडिया पे या कहीं पे मैं बोलूं। 70-80 हज़ार रुपए भेज रहा हूँ हर महीने। वापस क्यों नहीं गए वो मुझे ढूंढने के लिए? आप इतनी सी बात की सोच लें, मेरे छोटे से बच्चे, मेरे बड़े बच्चे नहीं है, 10 साल का कोई भी नहीं है, तो कभी उनको ढूंढने क्यों नहीं गए? वहां बैठ के नारे लगा क्यों पाकिस्तान खुद नहीं जा रहे, खुद क्यों नहीं कोशिश कर रहे? सिर्फ सर बातें हैं सर, अगर वो इतना अच्छे होते शायद मैं यहाँ ना होती, सचिन के लिए मेरी जिंदगी में जगह ना होती। नहीं पर बच्चे अगर कहें कि भाई हमारे पिता तो वो हैं, बच्चे कहेंगे तो बच्चे को मैं जाने दूंगी सर, पर बच्चों ने कभी उनका प्यार ही नहीं देखा। आप अगर बच्चे सचिन हैदर के पास जाना चाहेंगे ना, मैं भेजूंगी खुशी खुशी। अगर वो रोएंगे तो मैं नहीं भेज सकती सर, मेरे बच्चे मुझे ही माँ मानते हैं, मुझे ही बाप मानते हैं, उनकी जिंदगी में मैं ही एक थी। ये बात है कि वो पैसा भेजते थे शुरू में, भेजते थे सर इस बात से मैं, क्योंकि जब वो गए थे तब मेरा सोना गिरवी रख के गए थे। अच्छा। फिर वो लाया, फिर घर लिया, मानती हूँ देते थे। जी सर, तो काफी लंबी बातचीत आपसे लगातार हर टीवी चैनल हर जगह हो रही है, एटीएस ने भी कर ली है। आखिरी कोई मैसेज आप देना चाहेंगे हिंदुस्तान की जनता को जो यकीन करे, क्योंकि खबरें देखिए हर तरह की आती हैं, आपको भी हर तरह की खबरें आई हिंदुस्तान के बारे में, आपने एक हिंदुस्तान के बारे में एक तस्वीर बनाई, अब आपके बारे में हिंदुस्तान तस्वीर बना रहा है। मैं क्या कहूँ, मैं यहाँ रहना चाहती हूँ, अगर मैं एक माँ हूँ, मुझे माँ की नज़र से, सिर्फ जासूस 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 की नज़र से ना देखें, माँ की नज़र से भी देखें। मैं 3 बेटियों की माँ हूँ, मेरे बेटे को भी छोड़ दें, बेटा बेटा होता है, मैं 3 बेटियों की माँ हूँ और वो मेरी ही बेटियाँ हैं। तो मैं अगर पाकिस्तान चली गई तो उनका जीवन ख़राब हो जाएगा। सबसे यही रिक्वेस्ट है, भले कहीं भी रख लें, कोई भी कानून हम पे रख लें, पर वापस ना भेजें सर, वापस हमारे लिए कोई कुछ भी नहीं है। धन्यवाद सर। चलिए शुक्रिया, शुक्रिया, धन्यवाद सचिन आपका भी।